सो हे गाइस, कम बैक टू माय रिजल्ट वीडियो। पर उसके पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने सारे ड्राइंग्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट ग्रुप इज टॉप 3, द सेकंड वन इज ग्रुप ए, उन्होंने और थोड़ी मेहनत की तो वो टॉप 3 में भी आ सकते हैं। द थर्ड ग्रुप इज ग्रेड बी, इसके अंदर मैंने वो आर्टवर्क रखे हैं जिन्हें और इम्प्रूव करके डिटेलिंग ऐड करने के बाद और अच्छे प्रेजेंट किया जा सकता है। द फिफ्थ ग्रुप इज डिस्क्वालिफाइड, ये वो आर्टवर्क है जिसे सीधे गूगल से कॉपी किया गया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं वो आर्टवर्क दिखा रहा हूँ जो डिस्क्वालीफाई हुआ है। दिस आर्टवर्क इज डिस्क्वालीफाइड बिकॉज जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो ये आर्टवर्क मुझे प्रिंट जैस साइट पे मिल गया, और मोस्ट प्रोबेबली जिसने मुझे ये आर्टवर्क भेजा था वो इसका ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, सो इट इज़ रिजेक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ कैटेगरी से, नीड्स टू इम्प्रूव। इसके अंदर सबसे पहली ड्राइंग ये है, इसके अंदर डिटेलिंग और बैकग्राउंड की तरफ और थोड़ा ध्यान देने पर ये ड्राइंग ग्रेड ए में भी आ सकती थी। उसके साथ ही साथ जो सेकंड ड्राइंग है आई की, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करने के बाद उसे ग्रेड ए ग्रेड बी भी आ सकती थी। उसके बाद जो सेकंड ड्राइंग आती है वो है सुभाष चंद्र बोस की, जिसके बैकग्राउंड में ट्राई कलर फ्लैग है। इस ड्राइंग को मैंने नीड्स टू इम्प्रूव कैटेगरी में रखने का मोटिव ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग और इसकी आउटलाइन को और ठीक किया जाए तो ये टॉप 3 में भी आ सकती थी। उसके बाद की जो ड्राइंग है उसमें पिजन्स को उड़ता हुआ दिखाया गया है, पर इस ड्राइंग में डिटेलिंग बहुत कम है और जो फेसेस है वो भी इम्प्रॉपर बनाए गए हैं, इसी वजह से मैंने इसको नीड्स टू इम्प्रूव कैटेगरी में डाल। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है ग्रेड बी। ग्रेड बी में इससे थोड़ी अच्छी ड्राइंग्स मिलेंगी जिसके अंदर डिटेलिंग अच्छी होगी। पहला आर्टवर्क है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि वैसे तो ग्रेड ए में रखना चाहिए था, पर मैंने इसे ग्रेड बी में इसलिए रखा है क्योंकि इसके जो आउटलाइंस है वो इम्प्रॉपर है। उसके बाद की जो सेकेंड ड्राइंग है वो एक सोल्जर की है, और ग्रेड बी में डालने का यह इंटेंशन है कि अगर इसमें थोड़े से और डिटेलिंग और शेडिंग ऐड की जाए तो ये बहुत अच्छी दिखेगी, तो इसी कारण से मैंने इसे ग्रेड बी में रखा है। थर्ड ड्राइंग भी हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, पर इसमें इम्प्रॉपर आउटलाइंस की वजह से मैंने इसे ग्रेड बी में रखा है, पर इसकी कलरिंग बहुत अच्छी है। फोर्थ आर्टवर्क है वो जनरल करम सिंह का स्केच है, इसमें आउटलाइंस भी परफेक्ट है, पर अगर इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग और डेप्थ ऐड की जाए तो इसे टॉप 3 के अंदर रखा भी जा सकता था। जो फिफ्थ ड्राइंग है वो एक बर्ड की है जो इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, पर इसे ग्रेड बी में रखने का मोटिव ये था कि और आउटलाइंस को डार्क किया जाए तो ये और अच्छी दिखेगी। उसके बाद ग्रेड ए में पिछले ग्रेड से आउटलाइंस और कलरिंग्स और अच्छे मिलेंगे, जैसे कि ये भारत माता की ड्राइंग। इस ड्राइंग में पिछले सारे ड्राइंग से आउटलाइन बहुत अच्छी है, कलरिंग भी अच्छी है, बस इसका जो लॉयन है उसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग दी गई होती तो इसे मैं टॉप 3 में भी रख सकता था, पर जिसके अंदर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा उसके वजह से मैंने इसे ग्रेड ए में ही रखा है। मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद का भी आर्टवर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जिसके अंदर उनके बैकग्राउंड में फ्लैग और अशोक चक्र है जो इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर और थोड़ी अच्छी डिटेलिंग और कलरिंग की जाती तो इसे टॉप 3 में मैं आराम से रख सकता था। इसके बाद की जो ड्राइंग है उसके अंदर ट्राई कलर में इंडिया के कल्चर को डिबेट किया है, डिटेलिंग भी अच्छी है, पर उसके साथ अगर इसमें शेडिंग होती तो ये टॉप 3 में आ सकती थी। नाउ स्टार्टिंग विद द विनर्स, पर उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। नाउ स्टार्टिंग विद द विनर्स, तो फर्स्ट विनर है प्रियंका नाथ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका यूट्यूब चैनल नहीं है। इस ड्राइंग इज सुपर, जिसके अंदर कलरिंग शेडिंग डेप्थ और आउटलाइन बेस्ट की गई है। उसके साथ ही साथ इसके जो शेडोज है और हाइलाइट्स है वो प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड प्राइज जाता है मोनालिसा महालिक, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इनका भी चैनल का लिंक नहीं है। इन्होंने भारत माता की अमेजिंग ड्राइंग की है, जिसके अंदर कलरिंग और बैकग्राउंड में बहुत एफर्ट्स दिए हैं, जिसकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है और आउटलाइन भी परफेक्ट है, इसके अंदर कलरिंग भी क्रिस्प की गई है। नाउ कमिंग विद द थर्ड प्राइज गोज टू ARSK। इनका भी हमारे पास यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं है, पर अगर हमारे पास इसका और क्लियर इमेज होता तो हम इसे सेकंड या फर्स्ट पोजिशन में भी रख सकते थे।